ये मम्मा का नानो का क्या हाल है? नानो को मम्मा वाह कितनी प्यारी लग रही है। खुद क्या इसने अपने मुंह का हाल किया हुआ? ये क्या किया सो नानो का हाल? पापा डर ही जाएंगे ऐसी ये इनका हो गया पानी पूरा ड्राई। ठीक है तब मैं ये बन गया है रायता। ये देखे ऐसे बनाते हैं देसी तरीके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चला आप सब लोग के? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो बस कल हमने किया था पिज्जा चैलेंज, उसकी वजह से ना ठंडी कॉक थी और मैंने पी ली, मैंने पर हेज प्रूज नहीं की, तो उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी फ्लू हो गया, क्योंकि मुझे पहले ही लग रहा था मुझे फ्लू हो जाना है, तो लेकिन परहेज नहीं की और वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो आज मैंने अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो बस अभी मैं बनाने लगी थी। मैं दिल कर रहा था क्योंकि ना पहले शादियों में जाते रहे हैं हम, वहाँ पे फिर आपको पता है शादी का खाना खा खा के तो वैसे ही बोर हो जाता है इंसान। तो बस फिर आज दिल था कि कोई घर पर ही हम खाना बनाएं, तो मटर चावल मैंने सोचा मैं बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जाके। तो चले चलते हैं हम। तो ये ले लिए मैंने 4 गिलास चावल, इनको मैंने साफ करके भिगो लिया क्योंकि ना चावल जितनी देर भीगे होते अच्छे बनते हैं। तो अब आपने करना ये है कि जी 2 ले लेने हैं प्याज, छोटे लग रहे हैं बड़े ले लेते हैं, ये फटाफट से 2 प्याज ले लेते हैं। हमने लहसुन और क्या कहते हैं टमाटर, टमाटर बहुत ठंडे हैं। अच्छा हम जो है ना टमाटर फ्रीज करके रखते होते हैं क्योंकि बड़ा ईजी रहता है, इनको कूट के ना तो डाल दो बीच में बड़े अच्छे से मैश हो जाते हैं। क्या लेना है? चीनी। और ये मेरी जो बेटी है ना ये चीनी बहुत खाती है, उसको मैंने रोकना है। अभी लॉलीपॉप खा रही हो? बस ऐसी रहती तो ऐसी मम्मा बस बाय बाय। तो जी आज मैं आप लोग को बताने लगी हूँ प्याज कैसे काटते हैं। तो पहले हमने बड़े ही प्यार से इसको ना ऐसे उतार लेना है, ठीक है, और फिर इधर से भी इसकी ना तौन भर देनी है, और उसके बाद जी हम इसका ये बनाना उतार लेंगे हिस्सा। इसको ना बड़े प्यार प्यार से उतारना है आज हमने, ठीक है, तो साथ साथ ना गंद नहीं डालते होते किचन में, सफाई भी कर लेते होते हैं, ठीक है ना। ये हम फिर इधर से काट लेंगे। अच्छा जी अब हम इसको काटेंगे सेंटर में से ऐसे करके, और प्रो शेफ बनने की कोशिश करेंगे जो कि हम हैं नहीं, तो बड़े ही प्यार प्यार से इसको ऐसे ऐसे काटते हैं। यू यू आई अल्लाह प्याज जा रहा है, आँखों में प्याज जाने की फिक्र नहीं करनी आप लोगों ने, खैर होती है कोई बात नहीं। इसको ना मैं फास्ट कर दूंगी ताकि जरा रोशफ तो लगे ना, और जब एंड भी आपसे ना कटे तो मेरी तरह यूँ कर लेना ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा जी तो ये निकल चुका है मेरा 2 नंबर हमारा नॉन स्टिक वाला पतीला, ठीक है। पतीले की शक्ल पे नहीं जाना आपने, काम तो इसका जलना ही है ना, इसमें जलना ही है, तो इसलिए शक्ल पे नहीं जाना। शक्ल आप लोगों ने देखा ना मेकअप करके कितनी प्यारी हो जाती है, तो वैसे इसको भी हम थोड़ी मेहनत करेंगे ये हो जाएगा। ये सस्ते नॉन स्टिक खरीदने का यही नुकसान होता है, देखें क्या शक्ल हो गई है इसकी मेरे से। अब मैं काटती हूँ जल्दी से प्याज, और प्याज काट के आपके सामने थे, पहले मेरा नाक बह रहा था पर अब ये प्याज काटने के बाद और ही ज़्यादा आंसू भी आ रहे हैं। अच्छा भला बड़ी तमीज़ से ना काम कर रही थी, पर ये कैसे हो सकता है मेरे साथ कुछ हो ना, ये सारा कचरा जो है ना हमारा
नीचे गिर गया, इसको फटाफट उठा के बना दी। अम्मा आदमी मेरी खिलगी अभी तो सफाई हुई थी। खैर खैर इतना कुछ चलता है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं ना। अच्छा तो ये ना फ्रीज करने का यही फायदा होता है कि इसके ना छिलके बड़ी आराम से उतर जाते हैं। आई लव योर हार्ट, इतनी इजीली इसके छिलके उतरते हैं मेरे बड़े। मैं चाहूँगी इसको मैं मैश कर लूँ, मतलब कि कूट लूँ, लेकिन मैं कूटूँगी नहीं, मैं इसे कॉर्नर काट लूँगी। देखें कितनी आसानी से छिलका उतर गया और मेरा हाथ लाल हो गया। अच्छा ये मैंने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च, इन सबको मैं पीस लूँगी और ये साथ साथ हम टमाटर काट देते हैं, ऐसे ये फुल पीस लूँगा मैं। अल्लाह ऐसे ही रफली इनको काट लेना और हाथ की बैड बच जाती है। दूसरा भी अच्छा जी, तो ये मैंने इसमें प्याज काट के डाल दिया, ठीक है, और ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इनको ज़रा तड़पाएंगे, ठीक है। आपने कोई ना 10 मिनट इन्हें अच्छी तरह घी में ना सही तड़पाना है कि तड़प तड़प के ना ये लोग सड़ जाएं, ठीक है ना, ऐसे करने हैं। और जी सॉरी शुरू शुरू लगी हुई है। ये हमने ले लिया है जी 6 अदद मिर्चें लेनी है आपने और जवे ले लेने हैं आपने लहसुन के, कोई 1, 2, 3, 4, 5 कई 7-8 जवे आपने लहसुन के ले लेने, थोड़ी सिदरक ले लेनी है। ये हमने लिए हैं 2 टमाटर क्योंकि हम आज बना रहे हैं देसी मटर पुलाव, इसके लिए फिर जो है ना ये अदरक लहसुन तो लाजमी डलता है उसमें, वरना वो पता नहीं क्या कहते हैं सूतपन नहीं आता। अच्छा तब तक मैं मटर निकालती हूँ, मटर फ्रीजर में पड़े हुए हैं और वो मैं निकाल के ले आती हूँ और इसको करते हैं। तो किचन है हमारा ऐसा है ना, जितना मर्जी इसको सेट कर लो, जो मर्जी कर लो इसमें नहीं सेट होगा, जो काम है मुझे बहुत ही तंगी आ रहा है, तभी बहुत सारा प्याज फ्राई हो रहे थे वीडियो में बता दो कि हाँ। और मैं बोली कि इनको भी भूख लें, अब हमें तो ज़रा सा अच्छा ये मैं बना लिया तो और पापा नहीं खाते, पापा के लिए बनेंगे। अच्छा हमारे घर में जो है ना पापा जो है वो नहीं खाते इस तरह का ना, वो कहते हैं बस मटर चावल में ना सिर्फ मटर का टेस्ट आना चाहिए उसके अलावा कोई, इसलिए मैं इनको भूख लेती हूँ। अच्छी तरह इनको ना भूखना है आपने, जैसे आप किसी क्या कहते हैं वो इसको भूटना चाहते हैं वो गुस्सा निकालना हो आपको। हाँ तो आपने अपना गुस्सा इसमें निकाल सकते हो और ये मेरे चक्सा देखिए आँख में चलेगी ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हम इसको ग्राइंड भी कर सकते थे लेकिन फिर जाहिर है मेहनत के हमारी है ना, तो जरा मेहनत से इसको फूटेंगे हम अच्छे से। अरे अम्मी अम्मी ने कहना अंक आते अंक आते वाला बन गया, तो ऐसे ही बोल रही हैं बोल रहे थे। देखिए बात आप जो कुछ चाहती है, जो मेरा फ़ोन है ना इसका फ्रंट कैमरा चलता ही नहीं है, जो अभी काम कर रहे थे अभी अक्सर ना बड़े बड़े से यूज करने तो आगे से कैमरा ही नहीं चलता, क्योंकि जोहन ने इसका कैमरा था वो पॉपअप वाला ना, तो जोहन ने उसको दबा दबा के वो कैमरे का ही बड़ा गलत कर दिया, वो दोबारा क्योंकि ये पुराना मॉडल है तो वो दोबारा मिल ही नहीं रहा कहीं से भी, लेकिन वीडियो फिर भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। जैसे मेरे जो प्यार हैं वो लाइट ब्राउन से थे ज़्यादा ही हो गया, लेकिन इतना ही करने थे क्योंकि ना फिर चावलों में कलर नहीं आता अच्छा, प्याज ठीक तरह से फ्राई नहीं हुआ। अब जो ये हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च कूटी हुई हैं इनको बीच में सूट देना है आपने। अब मैंने कभी निकल जा रही है इसमें से मगर नहीं उतारी एक्चुअली, अदरक लहसुन डालने के बाद इसको आपने फ्राई करना है। मैं कभी लहसुन ऊँची ऊँची बोलूँ बोला ही नहीं था बोलिए मेरे गले में क्या है। तो इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा फिटाफट से पानी और फिर टमाटर को फेंकेंगे बीच में। अच्छा जी तो ये हमने जैसे इसमें डाल दिया है, अब थोड़े मसालों की बारी आती है जिनके बगैर अधूरा है हमारा पुलाव। थोड़ी सी हल्दी छोटा चम्मच ज़्यादा डाला मैंने, 1 लाल मिर्च चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक अच्छा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, मैं तो बस ऐवी अंदाजा इतने क्या करूँ बस अंदाजे से फेंकती रहती हूँ सारी चीज़ें। मैंने गरम मसाला निकाल अच्छा जी मसाले डाल दिए, अब एक डालेंगे कि हम कड़ी पत्ता और एक बड़ी इलायची, इसके अलावा सब गरम मसाले जैसे इसमें है काली मिर्च सुधके नहीं मैं सुधके जाऊँ दुल्हन आई है मेरी प्यारी जी बेटी आई, मैं तो मेकअप करके आई मम्मा का मेकअप किया हमने
ये क्या बनाया मम्मा आपने इसको? अच्छा तो ये मैं इसमें डालती जा रही हूँ गरम मसाला, ठीक हो गया, एक छोटी सी दालचीनी और बस काफ़ी है इतना। इससे कर लें, ओहो कुटी लाल मिर्च भूल गई थी मैं, एक मिनट गई थी, भूल गई थी कि कुटी लाल मिर्च भी डालनी है। ओह तो बहुत ज़्यादा मिलगी, कोई बात नहीं। जो कल वाली वीडियो में मेरा भाई आप लोगों ने देखा होगा वो ना, फिर उसने कहता है कि ना मुझे मसाले चाहिए मसाले चाहिए, तो ज़रा मसाले डाला करो, तो इसलिए आज मैंने मसाले मसाले कर दिए ताकि सभी लगे पता। तो बस चावल हमारे साथ ही कर रहे हैं और नजर कर जा रहे हैं। ये मटन मम्मा ने हमसे 3 महीने फिर आगे मटन निकलवाए थे जिसमें से आते तो ख़राब हो गए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, बाकी बचे कुछ हैं ये, तो इनको भी मैंने निकाली थी पीछे बाल में। ये जोहा को नानों ने कर दिया है दुल्हन बना दिया है और मेरी दुल्हन भाग रही है। इसको ना इतना शौक है मेकअप का, इसने मेरा कोई मेकअप नहीं छोड़ा, इसने सारा जो मेरा मेकअप बना हुआ तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज़ मेरी ना बस ख़राब कर देती है। फिर मैं भी कुछ नहीं कहती, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बाय। बड़ी भारी कुंडी है तो बस ये होने ही वाला तकरीबन, इसका ज़रा ना चूल्हा तेज़ करते हैं। अच्छा हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना यहाँ पे अभी गैस नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग को आता है एक चूल्हा उधर चल रहा है उधर चल रहा है उधर चल रहा है, यहाँ आके अगर हमें चलानी पड़ती है गैस दूसरी LPG कहते हैं ना वो वाली, तो बड़ा ही ठंडा तंग होते हैं हम, लेकिन क्योंकि इसकी ना ये वाली गैस की ना ठंडी तो इस पर टाइम बहुत लग जाता है, जो जहाँ पर 10 मिनट लगने वहाँ पर 20 मिनट लगते हैं, पर कोई नहीं खरीश तो करना पड़ता है। बस मसाला जो है वो मेरा भून रहा है इस टाइम, मैं उसको भून रही हूँ और ये हल्का हल्का ना टमाटरों को मैश कर रही हूँ। मुझे बड़े बुरे लगते हैं जब सालन में इस चावलों में ऐसे टमाटर आए थे ना साबुत साबुत, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है देख देख, मैं तो इनको ना मैश कर देती हूँ अच्छी तरह। मैंने पीस के नहीं डाले, मैंने पीस हुए थे फिर मैंने इनको पीस के डालती तो ये बड़े अच्छे इसमें नज़र भी नहीं आते। कोई नहीं, अच्छा इसमें खाली एक चीज़ें नहीं डाली, ठीक है, इसमें हमने एक ये चिकन की ऊपर डाली है, ये मैं अभी जब मैं मटर डालती होती हूँ ना फिर मैं डालती होती हूँ चिकन की, बाकी तो सारी रेसिपी आपने साथ साथ देखी है। चावल भी मेरे भीग रहे हैं मैं रखते हुए, अच्छा इसमें डालते हैं मटर ताकि साथ साथ ही ना सब चीज़ भून जाए। तो आप तो बस ये भून गया अच्छी तरह, इसमें मैं डाल दूँगी मटर, रंग धो रही है तो वैसे तो फ्रीज थे धो के रखे हुए थे लेकिन फिर भी मैंने कहीं तक धो, इतनी मटर तो ये बस इसमें मैं डालने लगी एक चिकन क्यूब और इसको मैं ज़रा मटरों के साथ भी अच्छी तरह भूनूंगी। मटर कम कम लग रही है फिर वो डाल लेते हैं, चलो अच्छी तरह मसाले के साथ भून लेते हैं, ये चिकन क्यूब अभी खुद ही इसमें घुल जाएगी फिर नजर नहीं। और मैं मिर्ची डालना भूल गई थी साबुत हरी मिर्च, अच्छा स्पाइसी करते करते ना हो ही गया स्पाइसी, लेकिन मज़े का लगता है ज़रा स्पाइसी होना चावल फिर मज़ा आता है खाने का। मेरी चिकन क्यूब अच्छा रीटा हम इसे भूनते हैं थोड़ी देर और इसको भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी, जो जो हर चावल का एक अपना अपना हिसाब होता है, जो हमारे वाले चावल है ना पता नहीं पुराने हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 4 गिलास चावल है ना तो 4 गिलास चावल में मैं डालती होती हूँ 6 गिलास पानी, मैंने ये हिसाब रखा ग्लास का रखा हुआ है, तो 4 गिलास चावल और 6 गिलास पानी, मतलब कि 2 गिलास चावल डालना आपने, 4 गिलास चावल है ना 6 गिलास पानी डालना है, तो उससे ना बड़े परफेक्ट खड़े खड़े चावल बनते हैं। लेकिन आज मैं चाहिए चावल थोड़ी ना नरम नरम होते हैं, क्योंकि जो मटर पुलाव होता है ना वो भी देसी वो बनाने से मुझे भी अच्छा लगता है। क्या हुआ इधर क्या हो गया बुल्ला तो हाँ, ये मम्मा का नानू का क्या हाल है? मैं नानू को मटर डाल दूँ। मम्मा वाह कितनी प्यारी लग रही है, अब मम्मा को पता नहीं चला खुद क्या इसने अपने मुंह का हाल किया है। तो फिर मम्मा दुआ करेंगे मेकअप देखा गया मेकअप पता की हाल तो हो ही करना है तो बहुत जल्दी 10:30 हो गए हैं पता। अच्छे मटर मेरे तकरीबन भुनने वाले हैं, बस 2 मिनट इन्हें और भूनूंगी मैं
और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। ये तब तक पानी निकाल लेती हूँ। और बस आप किचन में ना गंद चेक करें जो मैंने डाला है, ये देखिए ज़रा इतना गंद डल जाता है। अभी मैं इसको फटाफट साफ़ करती हूँ, इसमें पानी डाल के, चावलों में पानी डाल के ना साफ़ करते हैं। ये क्या किया सवा नानों का हाल पापा डर ही जाएंगे ऐसी अच्छा ये इसमें मैंने डाल दिया है 6 ग्लास पानी, ठीक है। तो अब बस इस पर हम ढक्कन दे देते हैं ताकि ये जल्दी से हो जाए। अच्छा रायता खुद बना रही हूँ, मुझसे पूछ रही है मानो ये पता पुदीना नहीं पड़ा नहीं। हाँ मुझे तो धनिया वाला रायता ज्यादा अच्छा लगता है। हरी मिर्च फ्रिज में इतना ढेर पड़ा है और इसमें बारीक वाली मिर्च अलग ही टेस्ट है बाजी, तो मैं तो पता ही तुम खाओ तो पता नहीं चूंडी से पकड़ती ऐसे डाल के चावल खा लेती पता नहीं क्या। तो फिर क्या काट रही है वैसे तेल कितना कटना ये आप लोग के सामने ज्यादा मेहनत करके दिखाना चाह रही है। नहीं जी मैं वैसे मेहनत कर ऐसे इसको इसमें डालना था और ग्राइंडर में या उसमें कुंडी में, कुंडी में सही है ग्राइंडर में तो पता नहीं चलता। बड़े ही जालिम तरीके से रायता बनाते हैं, आंखों में मिर्च पड़ेगी ना तो लगेगा पता माड़ा को जीरा पिसना। अच्छा जीरा माड़ा जीरा क्या एक हमारे घर में जीरे की हर टाइम ये जीरा डल गया। ये बन गया है रायता, ये देखें ऐसे बनाते हैं देसी तरीके से वो ग्राइंडर पर बनाते। अच्छा ये मैंने पिछली दफा बनाई थी चटनी, ये ना मम्मा को मटर चावलों के साथ बहुत ही पसंद है, इसमें मैंने डाली थी। ऐसे खाती हैं नाक से पानी आ रहा होता है और पानी थोड़ी। तो ये मैंने पिछली दफ़ा बनाई थी लेकिन फ्रिज में पड़ी थी, ये ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। तो इसमें मैंने डाला था क्या नाम है कुटी, ये गोल वाली मिर्चें एक इसमें साबुत रहेगी थी ये देखें। तो इसमें आपने डाली है गोल वाली साबुत मिर्चें, उनको भी भिगो के रख देना थोड़ी देर, ठीक है वो भीगी रहेंगी कोई और ठीक है। फिर लहसुन कूट के लहसुन हरी मिर्चें और एक टमाटर और थोड़ा नमक और जीरा, इन सबको ना आपने एक साथ कूट लेना है। उसे ग्राइंडर में भी बनती है लेकिन उसमें ना मज़ा नहीं आता जो ऐसे कूट के बनाने में मज़ा आता है। साथ ही साथ ये हमारे मटरों में भी उबाला आने लग गया है ये पानी में भी उबाल आने लग कूट के, तो ये चटनी बना लेनी है। और ये जब आप लोग आलू चावल के साथ या मटर चावल के साथ खाएंगे ना लगा लगा कितना मज़ा आता है। मिर्चा तो लगती है लेकिन मटर भी बड़ा आता है। आज मैं बनाने लगी थी पर देखा तो फ्रिज में पड़ी थी इसको मैं नहीं बनाई। पहले मैं नमक टेस्ट कर लूँ, तो ये देसी तरीके से हम नमक चेक करेंगे। आइए बहुत चढ़ गया देसी तरीके में। और चावल डालने लगी उबाले, खा ही जा रहा है गरीब का बच्चा, खा ही जा रहा है। अरे ये जाने लगे हैं बीच में चावल मम्मा वादा है ये। हाँ तो हाँ तो खाने हैं बेटे, इतने काफी होने लगता है बहुत है एक प्लेट। ये हमने पापा के लिए छोड़ दिए हैं, ये लगे से पकने हैं। बिस्मिल्लाह चलो अब इसको पानी खुश्क होने तक इसे इंतजार करो। अब हम इस पे दे देंगे ढक्कन ऐसे करके ढकना, पहले नमक डालू नमक ना मतलब अभी तो ठीक था पर बाद में कम हो जाएगा जैसे ही चावल फूलना शुरू होंगे। एक दो ढाई डाला हुआ था पहले है, कम डाला हुआ था पहले नहीं अभी है तो ठीक लेकिन ना वो जब अभी चावल फूलेंगे तो कम हो जाएगा। चलो चलो ढक्कन और छोड़ देते हैं। मैं भूल ही गई थी पिज़्ज़ा का ना दूध को बॉइल करना है, तो मैं ना इसको खुला दूध देती हूँ पिज़्ज़ा को और थोड़ी सी इसमें सौंफ डाल देती होती हूँ क्योंकि जब सवा छोटी थी ना तो इसको मतलब मैं फिट कराती होती थी लेकिन मतलब ये ना जब सवा छोटी थी ना तो इसको लगाया था इलेक्ट्रोजन
वो इतना कोई उससे ज़्यादा बीमार रहती थी, फिर उसको हमने चेंज कराया, फिर उसको लगाया, वो मैजी एक होता है, BAF होता है, पता नहीं कौन कौन से, तो वो सारे मैंने ट्राई कराए, इसको ना मतलब इसका स्टमक बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया था उन सब। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपने एक दफ़ा इसको खुला दूध ट्राई कराए, क्योंकि अगर इससे इसको कोई भी सूट नहीं ना करा तो आप खुला दूध ट्राई कराएं गाय का। तो वो फिर जब से मैंने जाको मतलब ये थी 7 मंथ्स की थी, तब से मैंने इसको जो है ना खुला दूध स्टार्ट कराया हुआ है गाय का, और इसको मशा से बड़ा सूट किया हुआ है। और साथ में मैं इसको देती हूँ जो साबुदाना, तो वो भी ना इसको बड़ा, अब आजकल नहीं दे रही क्योंकि वो ज़रा पीती ही नहीं है। मैं इसको क्या करती थी, फीडर में डाल देती थी, क्योंकि जो फीडर पीने वाले बच्चे होते हैं ना वो बड़ी ईजिली इस तरह की चीज़ें जो है ना फीडर में पी जाते होते हैं। तो अब मैं इसको गाय का दूध, तो ये बस दूध बॉयल ऑन रखा है, इसमें थोड़ी सी सौंफ। ये इनका हो गया पानी फुल ड्राई, ठीक है। तब मैं चूल्हा हल्का, और इसको हम दे देते हैं दम ऐसे करके। मम्मा को मैंने कहा है आके दम खोले और ज़रा देखें। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे हम चाहते थे ढीले करने चावल वो हो गए, क्योंकि ऐसे ही देसी पुलाव खाने का मजा। हाँ, ये जो देसी पुलाव होता है ना थोड़ा थोड़ा नरम जो है ना इसका मजा आता है। तो ये बन गए हैं मेरे मटर चावल, और इससे मैंने डाल लिया ये रायता, और ये वही जो चटनी आप लोग को बताई थी। तब तो मैं इसको खाती हूँ, मुझे नीचे बुला रहे हैं, तो हम चल के देखते हैं। हाँ जी, ये मिल गई है हमें खर्ची आते सारी, पर इसको लाना। ये मिले हैं थोड़े से खर्ची भाई से। तो चले आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मुझे नीचे आवाज आ गई थी, वीडियो एंड कर रही थी, और मुझे मिल गया है खर्चा 15,000 रुपए। मुझे मिल गया खर्चा 15,000 रुपए मिले हैं खर्ची। और बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को थोड़ी भी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट जरूर किया करें, उससे जो है ना मुझे ये चीज़ होती है, कमेंट जरूर किया करें उससे खुशी होती है मुझे, और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अभी कल रात मेरे 2 सब्सक्राइबर आए और मैं इतनी खुश थी कि 2 सब्सक्राइबर आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ये जो है ना मेरी एक भाभी अपनी वीडियो बना रही है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, होम मेकर कल सूम, होम मेकर मैं करते हैं, और मैं जाके खाती हूँ। अल्लाह हाफिज।